देखो किसे दो बंदे विदाउट हेलमेट के जा रहे हैं। देखो देखो तो फिलहाल अभी हमारा एग्जाम था, कोविड के टाइम हमारा एग्जाम हो रहा है। चंद्रशेखरपुर शायद से ये है ना, हाँ चंद्रशेखरपुर है। तो हमारे कॉलेज पीछे है और उस ऊपर से अभी अमन और जो और एक हमारा दोस्त है सुधीर, वो आ रहे हैं पीछे। वेलकम बैक टू चैनल रेस वो लोग, आई होप वेल एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी फिलहाल मैं हूँ कॉलेज में, तो मेरा एग्ज़ाम था, कोविड के टाइम में एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो फिलहाल अभी कॉलेज से मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ। अरे फोर्थ में कैसे आ गया, खुल जा शिम शिम। इसलिए मैं जाना था नीचे, लेकिन फिर से ऊपर आया, फिर से नीचे जा रहा। तो छोड़ो स्टेयर से चलते हैं। और कोविड के टाइम कौन एग्ज़ाम करता है, अभी हमारा एग्ज़ाम था, कोविड के टाइम हमारा एग्ज़ाम हो रहा है, तो क्या करे। तो फिलहाल अभी कॉलेज से मैं निकल रहा हूँ। तो मेरा कॉलेज का नाम है ट्राइडेंट, पहले मैं किट में पढ़ता था, तो अभी फिलहाल मैं ट्राइडेंट, मेरा बाइक यहीं पर अकेले खड़ा है, और सबका उस साइड और मेरा इधर। तो बाइक को अनलॉक करते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं तुरंत। और मेरा गला थोड़ा बैठ गया है क्योंकि एग्ज़ाम देते थे, थोड़ा कुछ चिल्लाना विल्लाना हो गया जब सुबह कॉलेज आए, एग्ज़ाम बंद करो एग्ज़ाम बंद करो, लेकिन कोई सुना नहीं, वो अलग बात है। यहाँ से भी तुरंत निकल के जाएंगे घर की तरफ। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि आज के लोग कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। बस आपको बता देता हूँ कि कोविड में कौन एग्ज़ाम करता है यार। इतना सब स्टूडेंट लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ये क्या वो क्या, उसके बाद कुछ फ़ायदा ही नहीं है, फिर से वही ऑफलाइन एग्ज़ाम। छोड़ो अभी तो, अभी एग्ज़ाम हो रहा है तो देना पड़ेगा। अमन को मैं साथ में लेके जाने वाला था, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा हेलमेट नहीं है, इसीलिए मैं उसको साथ में नहीं लेके जाऊंगा, नहीं तो मेरे साथ चला जाता। तो पता नहीं वो किधर है अभी, ऐसा मनमर्जी जा रहे हैं, शायद से ट्रैफिक नहीं है इधर। किधर गया, देखो कैसे दो बंदे विदाउट हेलमेट के जा रहे हैं। देखो देखो कैसे हेलमेट नहीं है सर पे, लेकिन ये लोग जा रहे हैं विदाउट हेलमेट। दोनों को हेलमेट नहीं है, दोनों का हेलमेट नहीं है। तो हमारे कॉलेज पीछे है और उस ऊपर से अभी अमन और जो और एक हमारा दोस्त है सुदीप, वो आ रहे हैं पीछे। और तबीयत थोड़ा ख़राब है, इसमें थोड़ा गला पड़ा हुआ है, तो थोड़ा आवाज़ जो है थोड़ा अलग अलग आ रहा होगा, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया तुरंत, क्योंकि क्लास में भी बैठा था, पानी पानी थोड़ा पिया फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लो, और मुझे पता नहीं आपको डेली ब्लॉग कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या फिर बुरा लग रहा है। और यार पता नहीं क्यों कोविड में एग्ज़ाम कर रहे हैं, आज मेरा इंटरनल एग्ज़ाम था, उसके बाद फिर सेमेस्टर है 22 को, इंटरनल सेमेस्टर ऐसे मिला कि भाई क्यों क्यों इतना एग्ज़ाम कर रहे हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। और ऊपर से कोविड का से जो केसेस है वो सब पूरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। छोड़ो यार, हम कुछ बोल भी नहीं सकते। और सोच रहा हूँ कि इस साइड से होके जाए चला जाऊँ, जो नया बाइक है उसके बारे में बात करके रिटर्न आ जाऊँ। तो क्योंकि कल गया था उसका जो शोरूम था वो बंद था, इसीलिए हम रिटर्न आ गए। तो आज सोच रहा हूँ जाके उसका जो पूरा टोटल डिटेल्स है, उसका ईएमआई क्या आएगा, डीपी क्या देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई इतना पैसा नहीं कि मैं कैश में लाऊं तो डीपी देके लाना पड़ेगा। तो उसका डीपी ईएमआई टोटल एक स्ट्रक्चर में ले आऊँगा, और आफ्टर बाइंग अ बाइक, तो मेरा बाइक आने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि टोटल आपको ईएमआई डीपी क्या कितना आता है, आपको वो वाला बाइक लेने के लिए कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, और कितना कुछ आपका फाइनेंस होगा, कितना क्या क्या फाइनेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सब कुछ मैं आपको एक दो सब कुछ करके सब कुछ बता दूंगा। तो अभी मैं शोरूम कॉल किया था और उन्होंने बताया कि शोरूम अभी बंद है, पता नहीं क्यों आज शोरूम बंद है, तो आज नहीं जाएंगे, और कभी एक दिन जाएंगे, जाके बात करके आएंगे। और जिस दिन सोच रहा हूँ बुकिंग करने जाऊँ उसी दिन तो डिटेल्स पूछ लूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर से पहले तक एक बार पूछ लूँ। और आपको थोड़ा विंड ब्लास्ट हो रहा होगा, क्योंकि मेरा जो आगे का जो हेलमेट का वेंट्स है वो सब खुला है, इसमें थोड़ा विंड ब्लास्ट हो रहा होगा। और क्या पूछो यार, बहुत सारे बच्चे थे आज एग्ज़ाम देने आए थे, लेकिन भाई पता नहीं किसको क्या कोविड वोविड होगा, हमें भी हो सकता है, चारों तरफ
जितना भी मास्क लगा लो, जितना भी सैनिटाइज कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोविड हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो जो साथ साथ बैठेंगे, जिधर भी कुछ भी हो सकता है। और सैनिक स्कूल यहाँ पे कैमरा लगा है, तो जो भी चलाते हो, जैसे चलाते हो, देख के साइड में घुसना नहीं चाहिए था। और ये देखो ऊपर कैमरा, और बस पहले ये एक्टिवेट नहीं था, अभी दिसंबर से पूरा एक्टिवेट हो गया था, लेकिन अभी से जो चालान जो है उसका जो मनी और उसका जो प्राइसेस है वो सभी अभी इंक्रीज हो गया, तो वो उड़ा था अभी वो बोल दी कि कितना क्या आएगा। क्योंकि ये वाले बाइक में डेली व्लॉग करने से कोई इशू नहीं है, लेकिन डेली व्लॉग के लिए इस बाइक के साथ कंटेंट है, लेकिन सुपर बाइक के साथ कंटेंट ही कंटेंट है। तुम जाओगे रिएक्शन ब्लॉग, ये ब्लॉग, वो ब्लॉग, सुपर बाइक देख के बंदा गिर गया, सुपर बाइक देख के बंदा उधर से इधर आ गया, ये सब एक एक कंटेंट मिल जाता है लोगों को। पर हमें ऐसा कंटेंट नहीं मिला, क्योंकि हमारा भाई 200 सीसी का बाइक है, छोटा बाइक है। और यहाँ पे हम पहुँच गए आके आचार्य विहार में, तो हम आपको बताएं आचार्य विहार मतलब सीवी होके जाना पड़ेगा। तो अभी सीवी को क्रॉस करके घर की तरफ निकलेंगे। और एनएस का साउंड इसलिए बहुत मुझे अच्छा लगता है, जैसे अपाची का हुआ था वो थोड़ा हम्प ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, वैसा साउंड मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब एनएस का साउंड बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा स्पोर्टी वाला साउंड है जो साउंड मुझे पसंद है। और अभी नया गाड़ी जा रहा है उसे तो हम की थम्प है, नहीं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, ऐसा पता चल जाएगा। चाय बिस्कुटों में फिलहाल कोई भी नहीं है, सोचा कि यहाँ पे थोड़ा चाय पाय पी के निकलूँगा, लेकिन यहाँ पे अभी कोई नहीं है। अरे अरे ये वाला साउंड बहुत घटिया लगता है, देखो कितना वाइब्रेशन हो रहा है मिरर पे। रॉन्ग रोड में हम चले गए थे गलती से, तो सॉरी। नियोस ये बुंडे का एक बहुत ही अच्छा गाड़ी है, कहने से ऐसा बाइक है जो आपको बहुत ही ज्यादा मजा देगा, टॉप एंड में हो, हैंडलिंग में हो, सिटी के अंदर हो, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे मैं अभी इसको यहाँ ऐसे काटता हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। ये ब्लॉग हम आगे जाके एंड कर देंगे, क्योंकि बस आज के ब्लॉग में इतना ही था। मैं बस आपको बताना चाह रहा था कि कोविड में हमारा एग्ज़ाम हो रहा है, भाई क्यों हो रहा है, बंद कर दो एग्ज़ाम भाई, बच्चों को सेफली हमें जीना है, मरना नहीं है ऐसे कोरोना वायरस से। एग्ज़ाम बंद कर दो, और आगे जाके हम ऑनलाइन ही एग्ज़ाम देंगे, तो वो हमारे लिए सही है, काम को काम भी होगा और एग्ज़ाम को एग्ज़ाम भी देंगे। ऑफलाइन एग्ज़ाम जब बिल्कुल भी मत करो कोविड में ऑफलाइन एग्ज़ाम। तो ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते फॉर मोर इंटरेस्टिंग ब्लॉग। और मैं ट्राई करूँगा कि और बेहतर बेहतर आपको कंटेंट देता रहूँ। मुझे पता है कि आपको ये वाला जो डेली ब्लॉग है आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि कुछ कंटेंट ही नहीं है, क्योंकि मुझे डेली ब्लॉग बनाने की आदत नहीं है, मैं वैसे सिटी में घूम के आपको कंटेंट नहीं दे सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चलो और क्या, और मैं ट्राई करूँगा कि आगे अच्छा अच्छा ब्लॉग लाने के लिए। आउट्रो।